काम नहीं करूंगा, मैंने सब्र कर लिया और मैं वहां से रवाना हो गया। मुझे प्रोग्राम में शाहपुर पूराबंदी के आगे कहीं जाना था तो मैं रवाना हो गया और अब प्रोग्राम करके मैं वापस आ रहा हूं। अभी मैं बालनगर चौरस्ते के करीब पहुंचा, मुझे मरकज से फोन आया और मुझे ये बताया गया हजरत तीन खुश नसीबों ने जिनमें दो हुजूर शहबाज के नकल के मुरीदी हैं और उनमें एक सरकार ताजुश्रिया का मुरीद है और उनमें से एक का ताल्लुक आपके इस इलाके मलम में जी शराब करो जरा पवन साहब वो भी वहां मौजूद थे। उन्होंने ये बताया बताने वालों ने कि हजरत जब पैंडी की कड़ी हटाई गई तो कब्र नीचे से नजर आने लगी, कब्र खुल गई, फिर हमारा दिल बेचैन हो गया। हमने चाहा कि हम हजरत का दीदार करें, हम हजरत की ज्यारत करें, तो हमने क्या किया, फोन की लाइट ऑन किया, फोन की टॉर्च ऑन करके हमने कब्र में डाला। जो ही हमने कब्र में डाला तो हम क्या देखते हैं कि जिस वक्त तकफीन के वक्त में हुजूर शहबाज दकन को जिस अंदाज में कब्र में लिटाया गया था, हुजूर शहबाज दकन 31 फीट के बाद भी उसी तरह अपने कब्र में लेटे हुए हैं जिस उनकी सलामत है कब्र की सलामत है। जिसम की सलामत है कब्र की सलामत। जबकि कोई पहलवान भी होना तो सिर्फ 3 दिन के बाद ही उसकी लाश पड़ना शुरू हो जाती है। कोई पहलवान भी हो तो फकत 3 दिन के बाद लाश सड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन यहां 31 दिन गुजर गए। सुभान अल्लाह। कितने दिन गुजर गए? 31 दिन गुजर गए। 31 दिन पे ही ये पता चल गया। और मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है कि अगर ये वाकया 31 साल के बाद जिसक उसी तरह पाया जाता है, होती है अल्लाह वालों की, यही तो मकाम होता है अल्लाह वालों का। इसीलिए तो कहा है कहने वाले ने जमीनें ली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, मुस्तफा के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक 31 दिन के बाद ही पता चल गया शहबाज कदम का ऊंचा। सुभान अल्लाह सुभान। लोग हमको कह रहे हैं कश्मीर कबूर के जरिए से पता करो किस हाल में है। अल्लाह। अब उनको कहना चाह रहे हैं हाल तो हमें 31 दिन में पता चल गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाल तो हमें 31 दिन में ही पता चल गया, अब बारी तुम्हारी है। वाह 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 क्या बात है। तुम कश्मीर कबूर करके देखो तुम्हारी मस्जिद का क्या हाल है, फिर बताना हमको। वाह वाह वाह। अरे जनाजे में एक मुंह छुपा दिया गया। जनाजे में एक मुंह छुपा दिया गया, पुराने फोटो वायरल कर रहे। वो जब चमकते थे, जब सुन्नी थे तो चमकते थे, बाद में पलटी मार के जब तब्दीलियत और राजियत की तरफ चले गए तो फिर मरने के बाद मुंह काला हो गया। बेशक बेशक। मुंह काला हो गया, दिखाने के लायक नहीं बचा। हमको बोल अब तुम्हारी बारी है, हमारे को कश्मीर कबूल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया, 31 दिन में ही पता चल गया शहबाज दकन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कब्र में आराम से सो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर कादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।